हेलो फ्रेंड, आज फिर से मेरी एक और नई फ़िशिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आप देख सकते हैं लोकेशन बहुत ही अच्छी हो रही है। सुबह मैं आ नहीं पाया हूँ, इस वजह से मुझे 8:30 बज चुकी है अभी शिकार के लिए। लेकिन हमारे यहाँ पर थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है, और मुझे लगता है कि यहाँ पर बहुत अच्छा शिकार हो सकता है मेरे, क्योंकि छोटी मछलियाँ जब बूंदाबांदी होती है तो छोटी मछलियाँ खेलती है तो बड़ी मछली उनका शिकार करती है। देख सकते हैं आपके वैसे भी शिकार हो रहा है, छोटी मछलियों के ऊपर बड़ी मछलियाँ कूद भी रही है क्या, और लोकेशन भी बहुत अच्छी हो रही है और मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में, देखते हैं कि हमारे क्या लगता है। तेरी भाग के आया यार, ये देख सकते हैं बहुत ही जबरदस्त एक लाठी लग गई है और अच्छी साइज की है, बहुत ही लाजवाब साइज। वो खंजी में घुसने की बहुत कोशिश कर रही है, बहुत ज़बरदस्त। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हाँ, ये देख सकते हैं आप, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही शानदार, लाजवाब, फुल साइज की हमारी कैटफिश लग गई है और बहुत ही ताबड़तोड़। तो भाइयों, आप देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन नग मेरे आते ही लग गया है और बहुत ही लाजवाब नग लगा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ही शानदार। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही लाजवाब, अभी आते ही मेरे पड़ीन लगा है। और आप देख सकते हैं कि उसके ये स्कम्फ रोग किस तरीके से बैठा है। अभी तक के मैंने बहुत अच्छे अच्छे नग स्कम्फ रोग से पकड़े हैं और बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट होता है, बहुत ही लाजवाब। आप देख सकते हैं कि कितना बेहतरीन नग है ये, कितना बेहतरीन शानदार बुल साइज का बेहतरीन ज़बरदस्त। आप देख सकते हैं आते ही मेरे ये पहली या दूसरी कास्टिंग करी मैंने और आते ही ये लग चुका था, ये देख सकते हैं आप। तो आप देख सकते हैं कि मेरे आते ही बहुत अच्छा शिकार हो चुका है और बहुत अच्छी मछली मेरे लग चुकी है। लोकेशन आप देख सकते हैं, बहुत कम पानी था वहाँ पर, यानी कि सिर्फ 2-3 बिलात ही पानी था और बहुत अच्छी साइज़ की मेरे वहाँ पर पड़ीन लगी है। तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में और क्या लगता है, और सीखिएगा कि कैसे लगता है।
अंदर से ही पीछे पीछे।